अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग बेटसन एंड पुनेट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे पूरा, और उसके कंक्लूजन को भी देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लिंकेज एंड क्रॉसिंग वर्क स्टार्ट किया था, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका पढ़ा दिया था, मैंने आपको सिस और ट्रांस अरेंजमेंट के बारे में भी बता दिया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि बेटसन और पुनेट का क्या एक्सपेरिमेंट था। तो सबसे पहले आप ये जानें कि बेटसन और पुनेट के एक्सपेरिमेंट को आप क्या बोलते हैं, कपलिंग एंड रिपल्सन सिद्धांत भी, या कपलिंग एंड रिपल्सन का प्रयोग भी कहते हैं, युग्मन तथा प्रतिकर्षण का एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि कपलिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले आप इसको समझिए। कपलिंग एक्सपेरिमेंट, बेटा देखो, कपलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, बेटसन और पुरेट ने क्या किया कपलिंग एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने इन्होंने क्या किया था कि दो तरह के प्लांट लिए। कैसे कैसे प्लांट लिए इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने दो तरह के प्लांट लिए, एक जो इनका प्लांट था वो था कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल एल कैपिटल एल, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने लिया, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। यहां पर कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल क्या है, ये है ब्लू ब्लू एंड लॉन्ग, ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी। यहां पर ये जो प्लांट है इसका जो परागकण है वो नीले रंग का है और लंबा है, ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन वैरायटी, कैपिटल बी से ब्लू और एल से लॉन्ग। दूसरी तरफ जो प्लांट लिया इन्होंने, इसमें पॉलन कैसा है, रेड रेड एंड राउंड, रेड एंड राउंड पॉलन वैरायटी। तो दूसरा वाला जो आपका प्लांट है जो इन्होंने लिया है कपलिंग एक्सपेरिमेंट में, वो ऐसा पौधा है जिसका परागकण लाल रंग का है और साथ साथ परागकण कैसा है, गोल है, ठीक है ना। तो अब आप देखो कि ये जो दो तरह के प्लांट इन्होंने लिए हुए हैं, दो तरह के जो प्लांट लिए हुए हैं, आप जरा इसमें ध्यान से देखिए एक चीज, अभी आगे क्रॉस कराने से पहले। तो आप देखेंगे ना, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल, यानी आप यहां देखिए तो यहां पर आपको डोमिनेंट जीन दिखाई दे रहे हैं बी और एल, और यहाँ पे दो डोमिनेंट जीन हैं बी और एल। भाई कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल में दो डोमिनेंट जीन है ना, बी और एल, तो यहाँ पर दो डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर साथ में लिखा है ना। तो बेटा ये जो चीज है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो डोमिनेंट जीन सेम क्रोमोसोम पे हैं, यानी कपलिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो डोमिनेंट जीन को लिया था जो कि सेम क्रोमोसोम पर है, टू डोमिनेंट जीन ऑन सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब आप ये समझें कि ये कैसी व्यवस्था है, ये व्यवस्था जो आपकी हो गई वो हो गई सिस वाली, सिस अरेंजमेंट है ये। इसका मतलब ये कैसा अरेंजमेंट है, सिस। तो कपलिंग एक्सपेरिमेंट में सिस अरेंजमेंट लिया गया प्रयोग में, सिस अरेंजमेंट, क्योंकि कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल मतलब दो आपके डोमिनेंट जीन एक साथ हैं। उन्होंने क्रॉस कराया, गैमेट निकाले, इधर से निकला कैपिटल बी कैपिटल एल, इधर से निकला स्मॉल बी स्मॉल एल, दोनों को आप क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन बनेगी वो बनेगी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये आपकी क्या बनी जी, F1 जनरेशन बनी, F1 जनरेशन। ये क्या है, गैमेट्स, गैमेट्स है ना। तो ये जो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल बना, इसका अगर देखोगे तो इसमें क्या आया, इसमें कैरेक्टर क्या आया, ब्लू ब्लू और लॉन्ग, कैपिटल एल है ना तो लॉन्ग आया, डोमिनेंट आएगा ना, और ब्लू कैपिटल बी है तो ब्लू आएगा। तो ये जो आपका प्लांट आया ये ब्लू और लॉन्ग कैरेक्टर को शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे,
हम इसको टेस्ट क्रॉस कराएंगे, यानी हम इसको क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कराने के लिए कपलिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया था, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल जो एफ1 जनरेशन में है उसका उन्होंने रिसेसिव पेरेंट से क्या करा दिया, टेस्ट क्रॉस करा दिया, रिसेसिव पेरेंट से टेस्ट क्रॉस करा दिया, ठीक है ना। तो अब जब उन्होंने रिसेसिव पेरेंट से टेस्ट क्रॉस कराया, तो मैं करवाता हूं, तो आपको पता है ना इसमें रिसेसिव पेरेंट कौन है, ऊपर आप देखिए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, वही क्या है, रिसेसिव पेरेंट है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है। जब आप F1 जनरेशन को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, चलिए मैं क्रॉस कराता हूं, ये मैंने कर दिया, यहां पे रिसेसिव लाया स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, ये क्या है, ये कैसा क्रॉस हो रहा है बेटा, ये टेस्ट क्रॉस हो रहा है, टेस्ट क्रॉस पढ़ाया है ना पहले मैंने, इसीलिए पढ़ा दिया था ये सारी चीजें, टेस्ट क्रॉस। तो जब F1 जनरेशन की F1 जनरेशन को उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन बनी F2 जनरेशन जो बनेगी, थोड़ा सा आप उसको देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उनका कपलिंग एक्सपेरिमेंट में। तो इतना करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप जरा गैमीट देखिए कैसे कैसे बन रहे हैं। तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका अगर आप गैमीट बनाओगे तो यहाँ पे चार गैमीट बनेंगे। मैंने आपको गैमीट बनाना सिखाया है पहले से, आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, जान जाएंगे कैसे बनता है। तो यहाँ पर गैमीट क्या बनेगा, यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये है ना, तो इसका अगर आप गैमीट बनाओगे तो आपका गैमीट बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी कैपिटल एल, फिर बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल, फिर बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल, और फिर बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल, ये चार गैमीट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना। और आप ये जो रिसेसिव पेरेंट था इसका अगर आप गैमीट बनाओगे तो एक ही गैमीट बनेगा, केवल एक ही गैमीट बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है ना। तो अब आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये मैंने क्या किया, गैमीट बनाया है, ये मैंने गैमीट बनाया है ये सारे, ठीक है, ये गैमीट बने। तो ये जो इतने गैमीट मैंने बना दिए, अब मैं इनको क्या करूंगा, आगे मैं F2 जनरेशन बनाने जा रहा हूँ, क्रॉस कराऊंगा। तो जब आप क्रॉस कराओगे इसको, इसको क्रॉस कराओगे, क्रॉस कराने आता है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने पढ़ाया था, चलिए मैं करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को याद आ जाएगा, नहीं आएगा तो प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा। जब हम इसका क्रॉस कराते हैं बेटा, तो आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, समझ में आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, अगर आप स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, समझ रहे हैं ना, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। और फोर्थ जो बना लास्ट वो बना स्मॉल बी स्मॉल एल, ये क्या बन गया, ये आपकी बन गई F2 जनरेशन, F2 जनरेशन। बेटा यहां पर जरा कैरेक्टर देखो क्या आया, ये आया ब्लू ब्लू लॉन्ग, ब्लू लॉन्ग आया, आया ना ब्लू लॉन्ग आया, तो यहां पे मैंने लिख दिया ब्लू लॉन्ग, ब्लू लॉन्ग। इसको देखो तो ये भी कैसा आया, ब्लू, पर ये लॉन्ग नहीं आया, ये कैसा आया, राउंड, ब्लू राउंड। इसको देखो तो ये कैसा आया, रेड आया, रेड, और कैपिटल एल है इसका मतलब ये लॉन्ग आया, रेड और लॉन्ग, सही है। और इसको भी देखो तो ये भी कैसा आया, रेड, पर इसमें स्मॉल एल है दोनों, तो इसका मतलब ये कैसा आ गया, राउंड आ गया, रेड और राउंड। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसको आप कपलिंग एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कुछ पैरेंटल कॉम्बिनेशन आए हैं और कुछ रिकॉम्बिनेंट्स आए हैं। पैरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, पैरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ
कि कुछ तो बिल्कुल पैरेंट वाला ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ गया है। कहाँ पर आया है? जैसे आप इसको ध्यान दीजिए, कौन सा वाला? ये वाला जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ हाईलाइट। अगर आप इसको देखोगे बेटा, तो दिस इज बेटा पैरेंटल कॉम्बिनेशन। पैरेंट में था कि नहीं? ये कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल, एफ वन जनरेशन इसके पैरेंट है ना। तो पैरेंट, इसके पैरेंट कौन है? एफ वन जनरेशन, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल, और स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल, यही तो पैरेंट है ना इसके। एफ वन जनरेशन, एफ टू जनरेशन के पैरेंट एफ वन जनरेशन है ना। तो बिल्कुल वही आया कि नहीं? पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही आया ना, सेम वही आया ना। अच्छा, उसके बाद आप एक और देखो इधर वाला स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, ये भी क्या है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन है ना। रिसेसिव, रिसेसिव पैरेंट जो था स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, तो ये देखो ये भी क्या है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इनका जो रेशियो यहाँ पर आया था, उस रेशियो को ध्यान देना है आप लोगों को। मैं रेशियो लिख देता हूँ। यहाँ पर जो रेशियो आया था वो आया था 7:1:1:7, ये रेशियो आया था यहाँ पर। यानी जब यहाँ पर मेंडल ने देखा, जब यहाँ पर बेटसन ने देखा था, और पुनेट ने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया था, कपलिंग एक्सपेरिमेंट को, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में जो रेशियो आया संतानों के बीच में, वो आया 7:1:1:7। याद करने वाली चीज है, इसको याद करना वरना भूल जाओगे, ठीक है ना। इसको याद करना, ठीक है ना। और जरा और ध्यान दो तो इस 7:1:1:7 जो आया, टोटल आया ना, टोटल 16 हो गए ना, 16 ही होंगे ना F2 जनरेशन में। आपने मेंडल वाला पढ़ा था ना, वहां पे 16 आए थे ना, वैसे ही यहाँ पर भी कितने आएंगे? 16 आएंगे। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, और स्मॉल बी स्मॉल एल। तो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल 7 आएंगे, और कैपिटल बी स्मॉल एल 1 आएगा, और स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल 1 आएगा, और स्मॉल बी स्मॉल एल कितना आएगा? 7 आएगा। आप चेकरबोर्ड बना के देख सकते हैं खुद से इसको करके, ठीक है ना। तो अब बेटा ये जो आया हुआ है, आप खुद से चेकरबोर्ड बना के देख सकते हैं, यही आएगा। तो 7:1:1:7 आया। मैं यहाँ ये बोल रहा था कि F2 जनरेशन में पैरेंटल कॉम्बिनेशन भी आए हैं कि नहीं। ये क्या है? ये पहला वाला क्या है? ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल पैरेंट ही आ गया, सेम वही आया ना, पैरेंटल कॉम्बिनेशन। ये भी क्या है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन, तो बिल्कुल पैरेंट का ही कॉम्बिनेशन आ गया, वही जीन आ गया, एकदम सेम चीज। आप थोड़ा बीच वाले दोनों देखिए, अगर आप बीच वाले दोनों देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो ये नए कॉम्बिनेशन आए, ये पैरेंट में नहीं थे भाई, पैरेंट तो नहीं था ना ऐसा। पैरेंट कहाँ था? कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, या स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल, नहीं था ना। पैरेंट क्या है F1 जनरेशन में, देखो पैरेंट क्या है। तो ये जो आया है आपका, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स। इनको क्या बोलोगे बेटा? रिकॉम्बिनेंट्स कहोगे। तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? रिकॉम्बिनेंट्स। क्या कहलाएंगे? रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखो कि अगर आप अब ओरिजिनल इस क्रॉस का जो रिजल्ट निकाला, जो इसका रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट क्या निकला? अब मैं वो रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, अब मैं इसका रिजल्ट लिखने जा रहा हूं। रिजल्ट क्या निकला इस क्रॉस का? वो ये कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो जो आएगा यहां पर, अब इसका रिजल्ट क्या आया? तो रिजल्ट आया कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, अब आप पीछे वाले लेक्चर याद करिए, मैंने आपको डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड तीनों टेस्ट क्रॉस रेशियो पढ़ाए थे ना। तो अब आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो अगर देखेंगे तो जनरली क्या आता था आपको याद है? भूल गए। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो आता था 1:1:1:1 आता था, याद करिएगा, जाके पीछे देखिए कॉपी में। लेकिन यहां पर क्या आया? यहां पर 1:1:1:1 के स्थान पर क्या आ गया? यहां पर आ गया
सेवन इज टू वन इज टू वन इज टू सेवन, समझ रहे हैं ना। तो इस रिजल्ट में, इस प्रयोग में जो रेशियो आया डाइहैबिटेट्स, ये वास्तव में डाइहैबिटेट्स क्रॉस ही तो है ना, क्योंकि इसमें टेस्ट क्रॉस करवा रहे हो ना। तो डाइहैबिटेट्स क्रॉस रेशियो जो आया वो जनरली आता था एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात एक, और यहां पर आया सेवन इज टू वन इज टू वन इज टू सेवन। तो ये इसका रिजल्ट आया, किसका? डाइहैबिटेट्स क्रॉस रेशियो का, यानी इस एक्सपेरिमेंट का, जिसको आप बोलते थे कपलिंग एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हैं ना। आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर आप एक चीज देखिए कि बेटसन और पुरेट ने बोला कि जब हम दो डोमिनेंट जीन को, जो कि सेम पेरेंट में होंगे, मतलब एक क्रोमोसोम, जब हम सेम पेरेंट से दो डोमिनेंट जीन को लेकर आते हैं तो वो हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसी को कपलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? कपलिंग है ना। तो अब मैं इसको लिख देता हूं, चलिए मेरे साथ लिख लीजिए आप लोग। जो रिजल्ट आया उसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बेटसन एंड पुनेट, क्या बोला उन्होंने, when two dominant gene enter, two dominant gene enter from same parent, they try to remain together, मतलब कि अगर हम इसको बोलें, आगे उन्होंने बोला कि this tendency, मतलब ये जो क्षमता है, this tendency was called, क्या बोला इसको, coupling। This tendency was called coupling। समझ रहे हैं? चलिए इसको हिंदी में लिखते हैं फिर एक बार बताते हैं। क्या? कि जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से, पैतृक मानी पेरेंट, एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे साथ में रहने की कोशिश करते हैं। जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे साथ में रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इस कोशिश को क्या बोलोगे हिंदी में? इस कोशिश को कपलिंग, हिंदी में क्या बोले थे? युग्मन। इस कोशिश को युग्मन कहते हैं या कहा, ठीक है। मतलब क्या कि जब दो डोमिनेंट जीन, अभी आपने देखा ना एक्सपेरिमेंट, अभी मैंने क्रॉस कराया था ना,
दो डोमिनेंट जीन को हमने एक एक ही क्रोमोसोम से लिया था ना, मतलब सिस अरेंजमेंट था ना वहां पे। तो जब दो डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आएंगे तो वो हमेशा साथ रहने की कोशिश करेंगे। जब दो डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आएंगे तो वो हमेशा साथ रहने की कोशिश करेंगे, तो उनकी इस कोशिश को हम क्या बोलेंगे? कपलिंग। इसको क्या बोलेंगे? कपलिंग बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस में, अभी जो आपने क्रॉस कराया था, जरा उसकी बात करें, जो क्रॉस आपने अभी कराया, तो आप देखिए कि इस क्रॉस में जो है पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं। अभी मैं दिखा देता हूं फिर से एक बार, इस क्रॉस में पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, आएंगे ज्यादा, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं। और जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन जो होते हैं, वो कम आते हैं। आप अगर देखेंगे तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन आए थे टोटल 14 और रिकॉम्बिनेंट आए थे केवल 2। पैरेंटल कॉम्बिनेशन आया था कितना? 14, और रिकॉम्बिनेंट आए थे कितने? केवल 2। रिकॉम्बिनेंट आए थे कितने? केवल 2, ठीक है ना। कहां पर बेटा? चलो दिखाते हैं, पीछे वाली स्लाइड पे देखो, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखो सब लोग, ये देखो। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो एकदम ऊपर से आप देखो, यहां से दो डोमिनेंट जीन सेम क्रोमोसोम पे थे, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल, कैपिटल बी कैपिटल एल, है ना, ध्यान समझ, कैपिटल बी कैपिटल एल है ना, मतलब एक ही जनक से दोनों डोमिनेंट जीन आ रहे हैं, कैपिटल बी कैपिटल एल आ रहा है, मतलब सिस व्यवस्था एक तरह से है उसके अंदर, उस जनक के गुणसूत्र में। कैसी व्यवस्था है? सिस व्यवस्था है, क्योंकि दो डोमिनेंट जीन सेम क्रोमोसोम पे लग रहे हैं अंदर, तो सिस अरेंजमेंट है। अच्छा, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल जो है, जब आप यफोन जनरेशन देखते हो तो उसमें भी आपको कैपिटल बी और कैपिटल एल दिखाई देता है। कैपिटल बी कैपिटल एल है ना यफोन जनरेशन में, कैपिटल बी कैपिटल एल यफोन जनरेशन में है ना, दिख रहा है ना, है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, है ना। तो इसका मतलब कि दोनों डोमिनेंट जीन जो हैं, वो दोनों जो डोमिनेंट जीन है वो अभी भी देखो साथ में है, जनक के यफ1 जनरेशन के अंदर है ना, कैपिटल बी कैपिटल एल। अब आप यफ2 जनरेशन को देखो, जब आपने इसमें डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करा दिया तो यफ2 जनरेशन जो आपने बनाई, तो वहां पर आप देख रहे हो 7:1:1:7 आया, उसमें भी 7 जो आए ब्लू लॉन्ग वाले, पहला ब्लू लॉन्ग वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, यफ1 जनरेशन इसके पैरेंट है ना यफ2 के, तो आप F2 को F1 से मिलाओ तो उसका पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। और एकदम किनारे वाला इधर देखो तो वो है रेड राउंड, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, ये भी क्या है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन है। और बीच में जो दो हैं ब्लू राउंड और रेड लॉन्ग, ये रिकॉम्बिनेंट्स है, ये नए बने हैं ना। आप ध्यान दो, पैरेंटल जो कॉम्बिनेशन है वो कितना आया है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन बेटा आया है 7 ब्लू लॉन्ग 7 रेड राउंड, टोटल 16 में से 14, टोटल 16 में से 14 क्या आए हैं? पैरेंटल कॉम्बिनेशन आए हैं। और दो, एक एक जो बीच में है, वो दोनों नए बने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स। यानी कपलिंग प्रयोग के बाद ये देखा गया क्रॉस के बाद कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 14, और रिकॉम्बिनेंट्स केवल कितने आए हैं? बहुत कम आए हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कम आए हैं, केवल 2 आए हैं, पैरेंटल कॉम्बिनेशन कितने आए हैं? 14 आए, ठीक है ना। और जो इस प्रयोग में ये बोला गया कि व्हेन टू डोमिनेंट जीन इंटर फ्रॉम सेम पेरेंट दे ट्राई टू रिमेन टूगेदर, जब दो प्रभावी जीन एक ही जनक से प्रवेश करते हैं तो वो हमेशा साथ रहना चाहते हैं या हमेशा साथ रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब आप ध्यान देंगे अगर तो यहां पर आप देखिए कि
कैपिटल बी, आप यफोन जनरेशन को देखो, कैपिटल बी कैपिटल एल है, यफोन जनरेशन से पहले आप देखो ऊपर, तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कैपिटल बी कैपिटल एल साथ में दिख रहे हैं आपको, एक पैरेंट के अंदर है ना, एक ही पैरेंट से आए हैं। यफोन जनरेशन में भी आपको कैपिटल बी कैपिटल एल दिख रहा है, दिख रहा है। यफ टू जनरेशन में भी आपको देखिए पहला वाला, उसमें भी कैपिटल बी कैपिटल एल दिख रहा है, दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रयोग में आपने ये देखा कि जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन था वो साथ साथ रहने की कोशिश कर रहा है, ज्यादातर वही आ रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स कम आ रहे हैं, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है। कुल देखोगे पैरेंटल कॉम्बिनेशन तो 14 पैरेंटल कॉम्बिनेशन आई अप टू जनरेशन में, दो नए आए रिकॉम्बिनेंट्स आए ना। तो कुल मिला के इतना दिमाग में याद रखो कि कपलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला उनके प्रयोग में कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, और पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो क्या हैं, कम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आप लोगों को कपलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद जो दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है उसको बताता हूँ। और दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट जो था उसको हम बोलते थे रिपल्सन एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते थे, रिपल्सन एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज कॉल्ड रिपल्सन, बस ध्यान से सुनते जाइए, रिपल्सन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग प्रतिकर्षण कहते थे। कपलिंग को बोलते थे युग्मन, रिपल्सन को कहते थे प्रतिकर्षण, दो प्रयोग था ना। तो रिपल्सन एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल, ऐसे लिया बेटसन और पुनेट ने। आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल बी यानी ब्लू, स्मॉल एल यानी राउंड, ब्लू राउंड, और इधर आपका आया स्मॉल बी यानी रेड, कैपिटल एल मतलब लॉन्ग, रेड लॉन्ग। अगर आप यहाँ ध्यान देखेंगे तो इसमें आपके दो डोमिनेंट जीन सेम क्रोमोसोम पे नहीं है, कैपिटल बी अलग है, कैपिटल एल उधर चला गया, दूसरे पैरेंट में चला गया, मतलब यहाँ पर इसमें ट्रांस अरेंजमेंट किया गया है। रिपलिंग रिपल्सन एक्सपेरिमेंट में कैसा अरेंजमेंट है, ट्रांस, यहां पर ट्रांस अरेंजमेंट है। कपलिंग वाले में कैसा था, कपलिंग वाले में सिस अरेंजमेंट था, यहां पर कैसा है, ट्रांस अरेंजमेंट है ना, क्योंकि यहां पर कैपिटल बी इधर दिख रहा है आपको एक डोमिनेंट जीन, और दूसरा वाला आपको इधर दिख रहा है कैपिटल एल, तो बी और एल दोनों डोमिनेंट एक एक ही पेरेंट से नहीं आ रहे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये तो आपके पेरेंट्स हो गए, अब आप यहां से निकालो गैमीट, यहां से निकला कैपिटल बी स्मॉल एल, और इधर से निकालेंगे गैमीट, तो यहां से निकला स्मॉल बी कैपिटल एल, ये गैमीट हो गया आपके। अब आपने F1 जनरेशन बनाना है, दोनों को क्रॉस कराओ, बन गया आपका कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये आपका बन गया क्या, F1 जनरेशन। जरा आप अगर ध्यान से इस F1 जनरेशन को देखेंगे तो यहां पर आपको ये कैरेक्टर क्या आया है, ब्लू ब्लू लॉन्ग आया है, कैपिटल बी है इसलिए ब्लू आया है, कैपिटल एल है इसलिए लॉन्ग आया हुआ, ठीक है ना। हमने क्या कराना है, पिछले वाले प्रयोग में क्या किया था, टेस्ट क्रॉस कराया था, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, फिर से वही कराएंगे हम, यहाँ पर रिसेसिव पेरेंट से क्या करा देंगे, टेस्ट क्रॉस करा देंगे। तो हमारा रिसेसिव पेरेंट था स्मॉल बी और कैपिटल एल स्मॉल बी, अगर नहीं, अगर आप रिसेसिव पेरेंट बोलेंगे तो रिसेसिव पेरेंट हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल, रिसेसिव पेरेंट तो यही होगा, ठीक है ना, वहां नहीं है, यहाँ ऊपर नहीं दिख रहा है, लेकिन रिसेसिव पेरेंट हमेशा क्या होगा, स्मॉल बी स्मॉल एल ही रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखना। यहाँ पर जो रिसेसिव पेरेंट लिया जाएगा वो स्मॉल बी स्मॉल एल लिया जाएगा, टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा। जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो यफ टू जनरेशन बनेगी, गैमीट बना लो एक बार पहले, तो यहाँ जो गैमीट बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल का, एक तो बनेगा कैपिटल बी कैपिटल एल, एक बनेगा कैपिटल बी स्मॉल एल, एक बनेगा कैपिटल
स्मॉल बी कैपिटल एल और एक बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल, बन गया ये इसके चार गैमिट बन गए। और यहां से आपका एक गैमिट बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है ना, क्रॉस करा देंगे। जब क्रॉस करा देंगे तो एफ टू जनरेशन क्या आएगी, आपकी एफ टू जनरेशन मैं बनाता हूं, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इस तरह से इसका कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, हो गया ना बेटा, ये आपके आ गया एफ टू जनरेशन आ गया। अब ये जो एफ टू जनरेशन आया इसका अनुपात उन्होंने क्या देखा, तो आप जब इसका अनुपात देखेंगे तो यहां पर अनुपात आता है इनके इस प्रयोग में 1:7:7:1, ये सब याद करना है, ठीक है, 1:7:7:1। यहां पर पहला वाला क्या है जी, ब्लू लॉन्ग है, दूसरा वाला क्या है, ब्लू राउंड है, ब्लू राउंड, तीसरा वाला रेड लॉन्ग है, रेड लॉन्ग, और चौथा वाला रेड राउंड है, रेड राउंड, है ना। जरा यहां पर ये देखो कि कौन कौन पैरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो तुमको यहाँ पे पैरेंटल कॉम्बिनेशन दिखाई देगा कौन कौन, ये देखो ये है और ये है ना, पैरेंटल कॉम्बिनेशन, या फोन जनरेशन से मिलाओ इसको, सेम है ना, तो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पैरेंटल कॉम्बिनेशन जो आ रहा है वो आप देख रहे हो क्या है, एक कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल और स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये इनका, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके हो गए पैरेंटल कॉम्बिनेशन, पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना बेटा। और अगर आप किनारे वालों को देखोगे, किनारे वालों को, तो ये आपका, ये जो आपका है और इधर जो आपका है, ये नए बने हैं, ये नहीं थे एफ वन जनरेशन में ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट्स क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स, ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट बना है, एक नया बना हुआ है, रिकॉम्बिनेंट, और ये भी क्या बना हुआ है, रिकॉम्बिनेंट। आप जरा इसका अनुपात देखिए इनके प्रयोग में, अनुपात आप देखोगे तो 1:7:7:1, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल एक आया, कैपिटल बी स्मॉल एल सात आया, और स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल भी सात आया, और स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल भी कितना आया, एक आया, आप क्रॉस करके देख सकते हैं खुद से, ठीक है। तो अब आप देखोगे अगर इसको, तो यहाँ पर फिर से तो वही बात हुई, क्या बात हुई कि इस क्रॉस में आपको पैरेंटल कॉम्बिनेशन टोटल मिले 14, और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन जो मिले वो मिले केवल कितने, 2, पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिला 14 और रिकॉम्बिनेंट्स कितने मिले, 2 मिले ना, तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन यहां पर फिर से ज्यादा आया और रिकॉम्बिनेंट्स क्या है, कम आए। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं तुम लोगों से कि चाहे तुम लोग कपलिंग एक्सपेरिमेंट देखो, चाहे तुम लोग रिपल्सन एक्सपेरिमेंट देखो, कपलिंग एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, सिस व्यवस्था ली थी ऊपर से, दोनों डोमिनेंट जीन को एक पेरेंट से लेकर आए थे, और रिपल्सन में हमने क्या किया, ट्रांस व्यवस्था ली, हमने दो डोमिनेंट जीन को अलग अलग पेरेंट से लेके आया, कैपिटल बी अलग पेरेंट से लेके आया था और कैपिटल एल अलग पेरेंट से लेके आया। लेकिन लास्ट में आने के बाद हम जब एफ टू जनरेशन में अनुपात देख रहे हैं तो यहां पर फिर से वही बात है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है,
और रिकॉम्बिनेंट्स कम बन रहे हैं। उस वाले प्रयोग में कपलिंग में भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा था, रिकॉम्बिनेंट्स कम बन रहे थे, यानी जो पेरेंट का जीन है वो जीन साथ साथ है, वो जीन साथ साथ में है, ठीक है ना, और जो नए रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो कम बन रहे हैं। पेरेंटल कॉम्बिनेशन का मतलब कि जो जीन जो है पेरेंट के हैं वो जीन अभी भी हैं बच्चों में, सेम वैसे ही, सेम अपना साथ साथ में यहाँ पर लगे हुए हैं वैसे ही, ठीक है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, चाहे रिपल्सन एक्सपेरिमेंट देखो, चाहे कपलिंग एक्सपेरिमेंट देखो, चाहे सिस व्यवस्था पे बना हुआ आपका कपलिंग एक्सपेरिमेंट देखो, चाहे ट्रांस व्यवस्था पे आपने जब रिपल्सन एक्सपेरिमेंट किया उसमें देखिए, आपको एफ टू जनरेशन में हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा दिखाई देंगे और रिकॉम्बिनेंट्स कम आएंगे, आएंगे ना। वहां 7:1:1:7 आया था, यहाँ 1:7:7:1 आया, लेकिन बात तो वही है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट्स कम आ रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या हुआ, अब दोनों ने इन दोनों प्रयोग का मिलाकर क्या निष्कर्ष निकाला, आप ध्यान से देखिए बच्चों सब लोग, दोनों प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकाला गया, ठीक है। मैं निष्कर्ष लिखता हूं, मेरे साथ लिखो, लिखना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना वरना भूल जाओगे सब पढ़ाना। कंक्लूजन और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष जो उन्होंने लिखा, पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूं फिर मैं हिंदी में लिखूंगा, लिखो मेरे साथ। व्हेन टू डोमिनेंट, व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स जीन्स आर कमिंग फ्रॉम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पेरेंट डिफरेंट पेरेंट कॉमा दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट कॉमा या फुल स्टॉप दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड रिपल्सन दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड रिपल्सन। अगर हम इसको हिंदी में लिखें कि जब दो प्रभावी जीन अलग 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 पैतृकों से प्रवेश करते हैं तो वे पृथक रहने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले लिख लेते हैं, पृथक रहने की कोशिश करते हैं। पृथक रहने की कोशिश करते हैं। इसे प्रतिकर्षण कहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए भाई, ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन किसका है? रिपल्सन एक्सपेरिमेंट का। ये रिपल्सन एक्सपेरिमेंट का, आप ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, कपलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ये बोला गया था, कपलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद क्या बोला गया था, कपलिंग एक्सपेरिमेंट के बाद
बेटसन और पुनेट ने क्या दिया था, उन्होंने बोला था, ये देखिए लिखा हुआ है कि जीन इंटर्स फ्रॉम फ्रॉम सेम पेरेंट दे ट्राई टू रिमेन टुगेदर। जब जीन जो है, जीन जो है कैसे जीन, डोमिनेंट जीन, दो डोमिनेंट जीन, जब दो डोमिनेंट जीन एक ही जनक से आएंगे तो वो हमेशा साथ रहने की कोशिश करेंगे। याद कर लो, जब दो डोमिनेंट जीन एक ही जनक से आएंगे तो वो हमेशा साथ रहने की कोशिश करेंगे, और उनकी इस कोशिश को तुम क्या बोलोगे, कपलिंग बोलोगे। कपलिंग मतलब कपल, साथ में रहना, ठीक है ना, जोड़ा बना, हमेशा एक साथ साथ रहना होता है ना, बोलते हैं ना कपल, जोड़े में रहना, जोड़े जोड़ा। तो जब जब कितना आसान है, जब दो डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से आएंगे तो वो हमेशा आगे की पीढ़ियों में भी साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश को क्या बोलेंगे, युग्मन या कपलिंग बोलेंगे, ठीक है ना। और कपलिंग एक्सपेरिमेंट में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो ज्यादा आ रहा था और रिकॉम्बिनेंट जो थे वो कम आ रहे थे। सही था कि नहीं, सही था, सही था ना। अब आप ये वाला एक्सपेरिमेंट देखो जो अभी को बोला, दूसरा वाला रिपल्सन। रिपल्सन एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया, रिपल्सन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला कि व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक से आएंगे, एक समान जनक से नहीं आए बल्कि अलग अलग जनक से आएंगे, दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट, तो वो हमेशा अलग रहना चाहेंगे, तो वो हमेशा कैसा रहना चाहेंगे, अलग रहना चाहेंगे, हमेशा अलग रहना चाहेंगे, ठीक है ना। तो वो हमेशा कैसा रहना चाहेंगे, अलग रहना चाहेंगे, दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट। This tendency is called repulsion. This tendency is called repulsion. तो जब वो अलग रहना चाहेंगे, अलग रहने की कोशिश करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण कहेंगे, प्रतिकर्षण। याद रखिएगा, repulsion में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि जीन अलग अलग जनक से आ रहे हैं। तो जब दो प्रभावी जीन अलग अलग जनक से आएंगे तो वो कभी साथ रहने की कोशिश नहीं करेंगे, वो अलग अलग रहने की कोशिश करेंगे, इसको रिपल्सन कहेंगे। रिपल्सन मतलब क्या होता है, दूर भागना एक दूसरे से। और पहले वाले केस में क्या था, कपलिंग में, कपलिंग वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्योंकि दोनों प्रभावी जीन एक ही पेरेंट से थे तो वो हमेशा आगे भी साथ साथ रहने की कोशिश करेंगे, उनकी इस कोशिश को क्या बोलोगे, युग्मन बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप प्रतिकर्षण का भी जो आप क्रॉस किए हो, तो क्रॉस करने के बाद प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन वाले क्रॉस में भी आपका जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा आ रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कम आ रहे हैं। कपलिंग वाले एक्सपेरिमेंट में भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा था और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन जो थे वो क्या आ रहे थे, कम आ रहे थे, ठीक है ना। अरे भाई, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, व्हेन टू डोमिनेंट जीन्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट दे ट्राई टू रिमेन सेपरेट, जब दो प्रभावी जीन अलग अलग जनक से आएंगे तो वो हमेशा अलग रहने की कोशिश करेंगे, अलग रहने की कोशिश करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो ना, जो मैंने यहाँ पर क्रॉस किया था, इसमें आप देख लो कहाँ दिख रहा है आपको, आप देखो, इसीलिए तो इस क्रॉस में ब्लू लॉन्ग केवल एक आया है, ब्लू लॉन्ग केवल एक आया है, क्योंकि बी और एल एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। भाई ब्लू लॉन्ग एक ही तो आया, ब्लू लॉन्ग एक आया ना, और तो नहीं आया। ब्लू लॉन्ग क्यों एक आया, क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल एल दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इसीलिए। समझ रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है ना। तो ऐसे समझो ना, अब इस तरह रिपल्सन में क्या होता है, रिपल्सन में आपका जो डाईहैबिट टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है वो क्या आता है, वो आता है 1:7:7:1, ठीक है ना। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, ठीक है ना। तो इस तरह रिपल्सन में डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आया, मेंडल के 1:1:1:1 के स्थान पर
अभी को क्या आया था, 1:7:7:1, यही आया ना, आता है, समझ रहे हैं, आता है। तो मेरी बात समझो, बात मेरी समझो, दो चीजें यहां पे याद रखो, कपलिंग क्या है, रिपल्सन क्या है। कपलिंग एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया कि दो डोमिनेंट जीन जब एक पेरेंट से आते हैं तो हमेशा आगे साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं, उनकी इस कोशिश को क्या बोलते हैं, कपलिंग। रिपल्सन एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया कि जब दो डोमिनेंट अलग अलग जीन से आते हैं, जब दो डोमिनेंट अलग अलग जीन से आते हैं तब वो हमेशा तब वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। जब दो डोमिनेंट जीन अलग अलग जब दो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट से आते हैं तो हमेशा एक दूसरे से पृथक रहने की कोशिश करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, रिपल्सन कहते हैं। और दोनों प्रयोग में ये देखा गया कि जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा आ रहा है, चाहे वो कपलिंग एक्सपेरिमेंट रहा हो चाहे वो रिपल्सन एक्सपेरिमेंट। इन दोनों में एक चीज कॉमन देखी गई, क्या देखा गया कि कपलिंग और रिपल्सन में एक चीज कॉमन ये थी कि दोनों में पैतृक संयोजन ज्यादा उत्पन्न हो रहा है, ज्यादा उत्पन्न हो रहा है ना। तो ये चीज जो है इन लोगों ने ध्यान दिया यहाँ पर, क्या चीज ध्यान दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे साथ लिखिए कि बेटसन और पुनेट, बेटसन और पुनेट ने, या बेटसन और पुनेट के एक्सपेरिमेंट में, ऐसे लिख लें के एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, कपलिंग एक तो कपलिंग एक्सपेरिमेंट था और दूसरा क्या था, रिपल्सन। तो बेटा कपलिंग और रिपल्सन दोनों एक्सपेरिमेंट में एक चीज कॉमन थी ना, एक चीज उसमें क्या थी कॉमन है, क्या कि दोनों में पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या आ रहे थे, ज्यादा उत्पन्न हो रहे थे, सही था। ये एक चीज आपने यहां पर एक चीज ध्यान दिया कि दोनों ही एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपने लास्ट में F2 जनरेशन में देखा कि वो ज्यादा आ रहे हैं, ये एक चीज कॉमन थी इसमें। कपलिंग उसको इसलिए कहा क्योंकि उसमें हमने क्या किया था, दोनों डोमिनेंट जीन को एक पेरेंट से लेके गए थे तो वो हमेशा साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको कपलिंग कहा। लेकिन वहां पर भी जो F2 जनरेशन में रिजल्ट देखा तो वहां पर ये देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा था। जब आपने रिपल्सन एक्सपेरिमेंट किया तो रिपल्सन एक्सपेरिमेंट में आपने क्योंकि ट्रांस व्यवस्था ली थी तो वहां पर आपने देखा कि क्योंकि आपने दोनों जो प्रभावी जीन है वो अलग अलग जनक से आप लेके आए थे तो वो कभी एक साथ रहने की कोशिश नहीं करते, तो हमेशा पृथक रहने की कोशिश करते हैं। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि अलग रहने की कोशिश करते हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस घटना को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिपल्सन, प्रतिकर्षण। और इसमें भी रिपल्सन में भी ये देखा F2 जनरेशन में कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या हो रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो बेटसन और पुनेट के एक्सपेरिमेंट में कपलिंग और रिपल्सन में एक चीज कॉमन थी कि दोनों ही में, यानी कपलिंग एक्सपेरिमेंट में भी और रिपल्सन में भी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं इस चीज को, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा, अभी तक लिंकेज का नाम नहीं आया हुआ है, अभी तक तो कपलिंग रिपल्सन केवल चल रहा है। लिंकेज कहां किसी ने बोला, किसी ने लिंकेज शब्द अभी तक बोला नहीं बोला। अब एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम है T.H. मॉर्गन। क्या नाम है, T.H. मॉर्गन। तो चलो अब मैं बताता हूं। देखो एक साहब, एक साइंटिस्ट है बेटा, उनका नाम था T.H. मॉर्गन। पहली बार आप इनका नाम यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। इन्होंने बताया, क्या बताया, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना फिर मैं लिखूंगा। T.H. मॉर्गन ने बताया
कि कपलिंग एंड रिपल्शन आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल फेनोमेना। इन्होंने बोला कि भैया पेटसन और पुनेट, आप कपलिंग एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो उसमें भी रिजल्ट आ रहा है क्या? पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कम आ रहे हैं। और भैया बेटसन और पुनेट, आप जब रिपल्सन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो भी क्या हो रहा है? पैरेंटल कॉम्बिनेशन आप उसमें भी ज्यादा देख रहे हो, रिकॉम्बिनेंट्स कम कर रहे हो। यानी दोनों एक्सपेरिमेंट में एक ही रिजल्ट तो आ रहा है, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में एक ही रिजल्ट तो आ रहा है। टीएच मॉर्गन ने उन दोनों को बताया कि भैया तुम दोनों के एक्सपेरिमेंट में कपलिंग में भी वही आ रहा है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट्स कम, और रिपल्सन एक्सपेरिमेंट में भी तुम्हारा वही आ रहा है क्या? पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, रिकॉम्बिनेंट्स कम, यही ना F2 जनरेशन में देख रहे हो दोनों में। तो टीएच मॉर्गन ने बोला कि जब दोनों घटनाएं जो हैं उनमें एक ही रिजल्ट आ रहा है तो फिर ये दो अलग अलग घटनाएं थोड़ी ना हुई, ये तो एक ही चीज है, ये तो एक ही चीज है। हम पागल हैं क्या दोनों को अलग अलग मानेंगे? फिर कपलिंग रिपल्सन क्यों हम कपलिंग रिपल्सन पढ़ें फिर? टीएच मॉर्गन की बात को समझो। जब टीएच मॉर्गन ने बोला बेटसन पुनेट के रिसर्च को देखकर कि तुम्हारे कपलिंग एक्सपेरिमेंट में और तुम्हारे रिपल्सन एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट एक ही आ रहा है क्या? कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं F2 जनरेशन में जब तुम लोग देख रहे हो, और जो आपके रिकॉम्बिनेंट है वो कम आ रहे हैं। जब तुम F2 जनरेशन में डाईहैबिट टेस्ट क्रॉस करा के F2 जनरेशन देख रहे हो तो वहां पे पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स कम आ रहे हैं। तो तुम्हारे दोनों घटनाओं में, दोनों क्रियाओं में, दोनों प्रक्रियाओं में सेम रिजल्ट आ रहा है। और जब तुम सेम रिजल्ट आ रहा है तो तुम पागल हो गया कि दोनों को एक साथ में, दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हो? दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो? दोनों को अलग अलग मत पढ़ो, दोनों को तुम एक में मिला दो। और दोनों को एक में मिलाकर बोलो कि ये एक सिंगल घटना है, ये एक सिंगल घटना है, एक सिंगल घटना है। और उस सिंगल घटना में, उस सिंगल घटना में कपलिंग और रिपल्सन क्या है? एक ही घटना के दो स्वरूप है। ऐसे बोल दो कि एक ही प्रक्रिया के दो स्वरूप हैं, और उस प्रक्रिया को नाम दो क्या? लिंकेज। क्या नाम दो? लिंकेज। लिंकेज मतलब मैंने क्या बताया था आपको, लिंकेज का मतलब मैंने ऐसे ही बताया था, साथ साथ ना, साथ साथ रहना। तो साथ साथ तो है ना, पैरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब वही तो, साथ साथ। तो बेटा टीएच मॉर्गन ने बोला क्या? बोला क्या? बोला कि कपलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिए, कपलिंग एंड रिपल्सन, कपलिंग एंड रिपल्सन आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल फेनोमेना, ऑफ ए सिंगल फेनोमेना कॉल्ड क्या चीज? लिंकेज। देखिए भाई ये बात आप समझिए, कपलिंग एंड रिपल्सन आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिंगल फेनोमेना, एक ही घटना के दो पहलू, एक ही घटना के दो पहलू, एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। उस प्रक्रिया का नाम रखा क्या? टीएच मॉर्गन ने नाम रखा क्या? लिंकेज। ये लिंकेज है, दिस इज द लिंकेज, जहां पर आप पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमेशा साथ साथ देख रहे हो ना। तो साथ साथ मीन्स क्या? लिंकेज। साथ साथ मतलब क्या? लिंकेज। तो जब लिंकेज है तो फिर तुम उसको कपलिंग और रिपल्सन अलग अलग क्या पढ़ रहे हो? टीएच मॉर्गन ने ये क्या क्या बोला बेटसन पुनेट को कि तुम लोग अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो कपलिंग और रिपल्सन? तुम लोग पागल हो, अलग अलग पढ़ रहे हो? एक चीज बोलो ना, लिंकेज हो रहा है, लिंकेज है, कपलिंग रिपल्सन हटाओ, सीधे क्या बोलो? लिंकेज बोलो। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा कि टीएच मॉर्गन ने बताया कि कपलिंग और रिपल्सन, ये दोनों घटनाएं, ये दोनों चीजें एक ही प्रक्रिया के दो स्वरूप हैं, एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, और वो प्रक्रिया क्या है? लिंकेज। तो वास्तव में ये लिंकेज ही है कपलिंग और रिपल्सन दोनों मिलाकर, ठीक है ना। आगे टीएच मॉर्गन ने क्या बोला? टीएच मॉर्गन के अनुसार लिख लाली, अकॉर्डिंग टू टीएच मॉर्गन,
क्या चीज कि कपलिंग कपलिंग व रिपल्सन, कपलिंग व रिपल्सन एक ही घटना के दो पहलू हैं, एक ही घटना के दो पहलू हैं, समझ रहे ना, क्योंकि दोनों में पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे हैं, यही ना था, क्योंकि क्योंकि दोनों में पैतृक संयोजन मतलब पैरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों में पैतृक संयोजन ज्यादा आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में पैतृक संयोजन ज्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो कपलिंग और रिपल्सन है ये एक ही घटना के दो पहलू हैं, दोनों में तो एक ही बात हो रही है, क्या कि आपके जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि लिंकेज इज इक्वल टू कपलिंग प्लस रिपल्सन, दोनों चीजें मिलाकर आप क्या बोलो, सीधे क्या बोलो, लिंकेज बोलो, आप अलग अलग मत पढ़ो इनको, लिंकेज बराबर कपलिंग प्लस रिपल्सन, ठीक है ना, ये आपका आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरी बात कुछ समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब लिंकेज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो लिंकेज की डेफिनेशन आप लोग पहले लिखें, चलिए माइक अपना बंद रखिए, लिंकेज की डेफिनेशन, तो देखिए लिंकेज जिसको उन्होंने हिंदी में बोला सहलग्नता, सहलग्नता, तो लिंकेज क्या है, द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन टू लिव टूगेदर विच इज expressed in low frequency of recombinants, low frequency of recombinants, समझ रहे हैं। तो आप ये देखिए यहां पे क्या लिखा, द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन टू लिव टूगेदर विच इज एक्सप्रेस्ड इन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। फिर से देखिए यहां पर क्या है, लिंकेज की परिभाषा बताई गई, मॉर्गन ने बताया आगे चलकर कि क्या है, द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन टू लिव टूगेदर विच इज एक्सप्रेस्ड इन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि बात करें अगर सहलग्नता की, तो सहलग्नता यानी लिंकेज, तो ये क्या है कि पैतृक संयोजनों के साथ में रहने के साथ में रहने की प्रवृत्ति, पुनः संलग्नता क्या है, पैतृक संयोजनों के साथ में रहने की प्रवृत्ति, रिकॉम्बिनेंट हमेशा साथ साथ ना, पैतृक संयोजनों के साथ में रहने की प्रवृत्ति है, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति,
प्रवृत्ति है जिससे जिससे पुनर पुनर जो पुनर्संजीव होते, जो जो पुनर्संयोजन बनते हैं, ठीक है ना, जिससे पुनर्संयोजनों पुनर्संयोजन मतलब रिकॉम्बिनेंट जो कम बनते हैं, पुनर्संयोजनों की आवृत्ति आवृत्ति कम से कम उत्पन्न होती है, आवृत्ति कम से कम उत्पन्न होती। भाई जब 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 पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेंगे तो रिकॉम्बिनेंट्स कम हो जाएंगे ना, तो वही बोला जा रहा है कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन साथ साथ हमेशा रहते हैं जिससे क्या होता है रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो कम से कम उत्पन्न होते हैं। तो अब आप लिंकेज याद करेंगे क्या कि द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन द टेंडेंसी ऑफ पैरेंटल कॉम्बिनेशन टू लिव टुगेदर, पैरेंटल कॉम्बिनेशन का साथ साथ रहना विच इज एक्सप्रेस्ड इन लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट, जिसकी वजह से जो नए पुनर्संयोजन हैं वो कम से कम बनते हैं और पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं क्योंकि वो साथ साथ रहते हैं, तो वही हर जगह पर आते हैं एक्सप्रेस होते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रवृत्ति को आप क्या बोलते हो, लिंकेज बोलते हो, ठीक है ना। तो लिंकेज फिनोमिना से क्या होता है, अब आप एक लाइन में देखो कि लिंकेज, अभी क्वेश्चन आ जाए लिंकेज फिनोमिना से क्या उत्पन्न होता है, तो लिंकेज लिंकेज फेनोमेना से यानी घटना से क्या उत्पन्न होते हैं, पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ज्यादा तो यही आ रहा है ना। तो लिंकेज फेनोमेना में क्या उत्पन्न होते हैं ज्यादा, सर पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंकेज फेनोमेना से पैरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, याद रहेगी चीज, लिंकेज लिंकेज फेनोमेना से पैरेंटल कॉम्बिनेशन उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज, वो जो रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, उसका भी कारण क्या है, लिख देता हूं कि क्रॉसिंग ओवर, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्रॉसिंग ओवर जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेंट्स उत्पन्न होते हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या उत्पन्न होते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, उत्पन्न होते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट्स आ रहे थे लेकिन कम आ रहे थे वो किस कारण आ रहे थे, क्रॉसिंग ओवर के कारण आ रहे थे, और जो कॉम्बिनेशन जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहे थे उसका कारण क्या था, लिंकेज। तो लिंकेज के कारण रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो कम बनते हैं और पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा आता है, और रिकॉम्बिनेंट बनने का कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। तो ये जो इतनी बात मैंने आपके सामने लिखी, थोड़ा सा एक दो बातें और जो बहुत जरूरी हैं आप लोग मेरे साथ में लिख लें उसको भी एक बार, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पे आगे लिखिए आप सभी लोग, क्या लिखेंगे कि ये जो आप बोलते हो ना सहलग्नता मतलब लिंकेज, लिंकेज सहलग्नता यानी लिंकेज, तो ये सहलग्नता का अर्थ क्या होता है, अभी मैंने एक बार बोला तो वही मैं लिखवा देता हूं। लिंकेज का अर्थ होता है क्या, जीनों की साथ साथ वंशागति का होना, जीनों की साथ साथ वंशागति का होना। सहलग्नता का अर्थ होता है जीनों की साथ साथ वंशागति
जीन हमेशा साथ साथ रहना चाहते हैं, जीनों की साथ साथ वंशागति का होना, जीनों की साथ साथ वंशागति का होना, ठीक है ना। और एक और बात कि जो जीन लिंकेज दर्शाते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं, जो जीन सहलग्नता यानी लिंकेज दर्शाते हैं, जो जीन लिंकेज दर्शाते हैं, उन्हें 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 क्या बोलते हैं, सहलग्न जीन। जो जीन साथ साथ रहना चाहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन, ठीक है ना, कहते हैं उन्हें लिंक्ड जीन कहते हैं। तो जो जीन साथ साथ रहते हैं ना, इस पूरी प्रक्रिया में जो जीन साथ साथ रह रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा लिंक्ड जीन, या फिर हम उनको क्या बोलेंगे, सहलग्न जीन बोलेंगे। समझ में आ गई बात ना, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, अभी क्योंकि लिंकेज पढ़ रहे हैं तो एक और टॉपिक लिंकेज से ही जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप क्या होता है। तो चलिए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, तो आप सभी लोग चलिए हैंड डालिए, लिंकेज ग्रुप। लिखिए, पहले लिखिए फिर बताएं। एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले समस्त जीन मिलकर एक सहलग्न समूह यानी लिंकेज ग्रुप का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं ना। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें क्या लिखेंगे, ऑल द जीन फाउंड ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट, मतलब बनाते हैं, निर्माण करते हैं मिलकर, कॉन्स्टिट्यूट CONSTITUTE कॉन्स्टिट्यूट ए लिंकेज ग्रुप। क्या बोला बेटा, क्या बोला यहां पर, कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं सारे जीन मिलकर क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं। सारे जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सभी जीन मिलकर क्या बनाते हैं, लिंकेज ग्रुप बनाते हैं, सहलग्न समूह बनाते हैं, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स और नोट करें, फिर मैं इसको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। लिखिए, यूकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप
इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आप लोग कर ले जाएंगे, बस ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यूकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप की संख्या, ठीक है ना, अगुणित मतलब हैप्लॉइड, अगुणित मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या है ये, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, क्या लिखा कि यूकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप, की संख्या किसके बराबर होती है, अगुणित क्रोमोसोम, हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या के बराबर होती है, ठीक है ना, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होती है, ठीक, समझ रहे हैं ना। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, इन यूकैरियोट्स, नंबर ऑफ लिंकेज, इज इक्वल टू, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखिए क्या लिखा कि यूकैरियोट्स के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, ये कैसे पता करोगे, ये पता करोगे कि उनके अंदर अगुणित गुणसूत्र कितने हैं, जितने अगुणित गुणसूत्र होंगे उतने जो है वहां पर क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होंगे। जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ठीक है, चलिए एग्जांपल देखिए, मैंने एक बना दिया इस तरह से, बनाया, इधर मैंने लिखा ऑर्गेनिज्म, अभी आप लोग को दिखेगा, चलिए अब आप लोग को दिखेगा, तो इधर मैंने लिखा ऑर्गेनिज्म, ध्यान से इस टेबल को देख लीजिएगा, बस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, इधर मैंने लिखा डिप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इधर मैंने लिखा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और लास्ट में मैंने लिख दिया लिंकेज ग्रुप जो हमें पता करना है, ये मैं आपको एक तरह से एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो बात की जाए अगर ऑर्गेनिज्म की, तो उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर होंगे जितने, तो आप उसका आधा कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, और मैंने बोला है कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर ही क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए पाइसम सैटिवम, मटर, ठीक है ना, तो पाइसम सैटिवम के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड होता है, दैट इज 2n बराबर होता है 14, 14, तो इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 7, और अगर n इक्वल टू 7 हो जाएगा तो लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, 7, समझ गए, आसान है ना, ऐसे याद करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेज, यानी मक्का, के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, दैट इज 2n इक्वल टू 20, इसका मतलब हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे, 10, इसका मतलब लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, 10, समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है, आ रहा होगा, कुछ है नहीं, ठीक है, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। एक और देखिए, जैसे फ्रूट फ्लाई, जानते हैं ना, ड्रोसोफिला को कहते हैं, किसको कहते हैं, ड्रोसोफिला, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत जेनेटिक्स में, फ्रूट फ्लाई,
फ्रूट फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला जिसको कहते हैं। इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है जानते हैं? 2n बराबर होता है 8, याद कर लीजिएगा 2n बराबर 8 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में वैसे दिया रहेगा डिप्लॉइड या हैप्लॉइड कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना, तो याद करने की भी जरूरत नहीं, वैसे जिन जनरली याद रखें। तो आप जान रहे हैं 2n बराबर 8 है, तो n बराबर 2 गुणित कोशिका में 8 गुणसूत्र है, तो अगुणित कोशिका में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगुणित कोशिका में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और मैंने बोला कि अगुणित कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या बराबर लिंग के समूह की संख्या, तो लिंग के समूह भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ रहे? तो ये आप समझिए, ये बहुत ही आसान था बेटा, इसमें कुछ है नहीं। आप बस ध्यान देखो कि लिंकेज ग्रुप होता क्या है। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब कि एक ही गुणसूत्र पर जितने जीन होते हैं वो सब आपस में मिलकर लिंकेज ग्रुप का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। लिंकेज ग्रुप को निकालना बहुत आसान है। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब विकसित कोशिका की बात की रही है, ये सब यूकैरियोटिक है ना, हम सभी पेड़ पौधे सब जनरली। तो यूकैरियोटिक कोशिका में लिंकेज ग्रुप की संख्या अगुणित कोशिका अगुणित गुणसूत्र के बराबर होती है, तो जितने अगुणित गुणसूत्र होंगे वही लिंकेज ग्रुप होगा। क्वेश्चन में यदि सीधे सीधे अगुणित गुणसूत्र दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, द्विगुणित दुआ अगर आपका डिप्लॉइड दिया हुआ है तो उसको आप हैप्लॉइड में पहले करेंगे, और हैप्लॉइड जितना हो जाएगा वही उसका लिंकेज ग्रुप हो जाएगा। ये तो हो गया किसका? यूकैरियोटिक सेल का। अब थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बता देते हैं, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होगा। तो यहीं पर लिखिए नीचे, इसके साथ में मेरे लिख लीजिए, लिखिए प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में आगे लिखो, लिखो ऑलवेज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, अब यहां पर लिंकेज ग्रुप कैसे निकालेंगे, कितने हैं, कितनी संख्या में, यही पूछा जाता है, लिंकेज ग्रुप कितने हैं। तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू कितना बेटा? 1। कितना? 1। प्रोकैरियोट्स में हमेशा लिंकेज ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 1। यहां बदलती नहीं है, तो यहां कुछ याद ही नहीं करना है, खाली याद रखना है क्या कि प्रोकैरियोट्स में, हिंदी में लिख दें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या प्रोकैरियोट्स जीवों में, मतलब बैक्टीरिया की बात की जा रही है जनरली, वही तो होता है ना, नीले हरे शैवाल, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, तो प्रोकैरियोट्स में संलग्न समूह की संख्या, संख्या कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। एक के बराबर मतलब 1 होती है, 1 ही होगी हमेशा, याद रखें एक लाइन में केवल। प्रोकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप कितना होता है? केवल 1 होता है। प्रोकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन यूकैरियोट्स में लिंकेज ग्रुप जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होता है। तो यूकैरियोट आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी आ सकता है कि प्रोकैरियोट में कितना होता है लिंकेज ग्रुप, तो हमेशा 1 होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 1 होता है, समझ रहे हैं ना। और यूकैरियोट्स में अगुणित क्रोमोसोम जितने होंगे उतने ही उसका लिंकेज ग्रुप की संख्या होगी, जितना अगुणित गुणसूत्र की संख्या होगी वही उसकी क्या होगी? लिंकेज ग्रुप की संख्या होगी। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है, चलो अब एक चीज और याद रखो तुम लोग, चलो बता देते हैं। एक चीज और याद रखो बच्चों कि जो लिंकेज होता है, हिंदी में बोले ना सहलग्नता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। क्या लिख दिया भाई? मैंने लिखा लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी कि जीनों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, जीनों के
बीच की दूरी, मतलब समझ रहे हैं, मतलब जीन के बीच की दूरी ज्यादा रहेगी तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। यही तो इसका मतलब हुआ, इस फॉर्मूले का लिख दें, जीन्स के बीच की दूरी, जीन्स के बीच की दूरी ज्यादा तो लिंकेज, क्या हो जाएगा, कम। इस पे सवाल आएंगे, जीन के बीच की दूरी ज्यादा तो लिंकेज कम, ठीक है ना। जीन्स के बीच की दूरी कम, जीन्स के एक ही गुणसूत्र पर जीन सब होंगे, जीन्स के बीच, क्योंकि एक ही गुणसूत्र पर जीन में लिंकेज होता है, ठीक है ना। तो जीन्स के बीच की दूरी कम, जीन्स के बीच की दूरी कम तो संलग्नता क्या हो जाएगी, ज्यादा, लिंकेज ज्यादा। ये दोनों चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, ये क्या है, ये मान लीजिए, ये एक जो मैंने बनाया, ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये लाइन क्या है, क्रोमोसोम है, और ये मैंने क्या बना दिया, जीन बना दिया, ये सब क्या है, जीन है, क्रोमोसोम पर क्या है, ये सब रेखीय क्रम में होते हैं ना, आपको पढ़ाया था ना पहले, जी जेनेटिक स्टार्टिंग में, ये जीन है, ठीक है ना, सारे जीन है। मान लो ये ए है, ये जीन ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ऐसे ये सारी जीन है, ठीक है ना। तो ए और बी को अगर देखोगे तो, और ए और बी के बीच की दूरी कम है, तो ए और बीच की दूरी क्या है, कम है, यानी लिंकेज क्या होगा इनके बीच में, ज्यादा होगा। अगर दूरी कम है तो लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से अगर आप ए और एफ के बीच में देखो, ए से लेकर एफ के बीच में, यहां तक, तो ए से एफ के बीच की दूरी ज्यादा है, इसका मतलब लिंकेज क्या होगा, कम होगा, लिंकेज क्या होगा, कम। यहां पर क्या है, लिंकेज कितना होगा, बहुत कम होगा। जब जीन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, लिंकेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जीन्स क्या है, करीब करीब में है, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको, इतना जितना मैंने आपको बताया, ये फार्मूला याद रखिएगा, और इससे पहले जो मैंने आपको लिंकेज ग्रुप पढ़ाया उसको भी आप याद रखिएगा। कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, जाते जाते मैं उनको भी बता देता हूँ आपको। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इस लिंकेज का सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक हेडिंग है, डाल लीजिए सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, यानी संलग्नता का महत्व। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, संलग्नता का महत्व। तो बेटा क्या क्या महत्व हो जाएगा, सबसे पहला तो ये कि वेरिएशन जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। भाई जब जीन साथ साथ हमेशा रहेंगे तो वेरिएशन कहाँ आएगा, विभिन्नताएं आएंगी, नहीं नहीं आएंगी ना, रिकॉम्बिनेशन से ना वेरिएशन आता है, तो लिंकेज से वेरिएशन थोड़ी ना आएगा, लिंकेज में तो जीन साथ साथ रहेंगे हमेशा, तो विभिन्नताएं क्या होंगी, उत्पन्न नहीं होती। तो पहला महत्व तो ये हो गया कि इसमें वेरिएशन जो होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो महत्व हो जाएगा ये कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स, क्रोमोसोम पर जीन्स किस क्रम में पाए जाते हैं, रेखीय क्रम में, ये लिंकेज के कारण ही होता है, रेखीय क्रम में, लीनियर फैशन, लीनियर
फैशन लिंकेज के कारण ही क्या होता है, क्रोमोसोम पर जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, याद रखेंगे रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है ना, रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। ये दो जो मैंने आपको बताया, ये क्या बता दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज पढ़ा दिया। अब इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बच्चों लिंकेज के टाइप्स बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये लास्ट आपका जो सेगमेंट बचा इस लेक्चर का, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लिंकेज के टाइप्स। तो अभी क्योंकि हमको आगे क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, दो फेनोमेना है ना, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं, अब आगे क्या पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर को पढ़ने से पहले एक खास बात समझनी बहुत जरूरी है, क्या, कि लिंकेज जो होता है वो दो टाइप का होता है। तो क्योंकि हमें आगे क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये चीज समझना होगा कि लिंकेज जो है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक जो आपका होता है उसको बोलते हो कंप्लीट लिंकेज, याद हो गया, याद हो जाएगा, बहुत आसान है, कंप्लीट लिंकेज, पूर्ण सहलग्नता। क्या बोलेंगे बेटा, पूर्ण सहलग्नता, पूर्ण सहलग्नता। और दूसरा जो आपका हो जाएगा उसको आप बोलोगे, उसको आप बोलोगे इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज जिसको आप हिंदी में बोलोगे अपूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता। देखो बच्चों, एक पूर्ण सहलग्नता है, एक अपूर्ण सहलग्नता है, दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहले इसको देखो। इसमें क्या होता है, इसमें ये 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 क्या है, कंप्लीट लिंकेज, जिसमें जिसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन, पैतृक संयोजन, पढ़ाया ना अभी बहुत देर से पढ़ा रहा था, समझ गए होगे, पैरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, ही उत्पन्न होते हैं। केवल क्या उत्पन्न होता है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही उत्पन्न होते हैं। जब केवल पैरेंटल कॉम्बिनेशन ही कहीं उत्पन्न हो तो वैसी लिंकेज को क्या बोलोगे, कंप्लीट लिंकेज बोलोगे। ये रेयर है, रेयर मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, तो ये रेयर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लिख दें कि कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज केवल, केवल किसमें, देखिए क्या लिख रहा हूं, मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला मक्खी है ना, मेल ड्रोसोफिला फल मक्खी, नर फल मक्खी, याद रखेंगे। कंप्लीट लिंकेज किसमें देखा गया है, केवल मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है और कहीं नहीं देखा गया, देखने को मिलती है। तो कंप्लीट लिंकेज केवल मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। चलिए अब आप इनकम्प्लीट क्या होता है, तो इनकम्प्लीट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जिसमें अपूर्ण सहलग्नता वह है जिसमें क्या होता है, पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ, पैरेंटल जो हम लोग पढ़ रहे थे, पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ जो हमने अभी कपलिंग और रिपल्सन में देखा था, वही वाली है ये। पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या आ रहा था, रिकॉम्बिनेंट्स भी बन रहे थे ना, अरे बन रहे थे ना, कम ही बन रहे थे लेकिन बन तो रहे थे ना, खाली सब तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं थे ना, ज्यादा तो थे लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स भी तो थोड़े से बन रहे थे। तो वह संलग्नता, वो लिंकेज जिसमें पैरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ रिकॉम्बिनेंट्स भी उत्पन्न होते हैं, उसी को आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। पहली बात, दूसरी बात कि ये रेयर नहीं है, ये वातावरण में बहुत कॉमन है, ये वातावरण में जीवों के अंदर बहुत कॉमन है, वातावरण में जीवों में
बहुत क्या है, कॉमन है, वो रेयर था, केवल एक एक मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है वो वाला। उसमें खाली पैरेंटल कॉम्बिनेशन आता है 100%, एक को रिकॉम्बिनेशन नहीं आते, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज ज्यादा पाई जाती है, बहुत कॉमन है, और इसमें हम ज्यादातर तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखते हैं लेकिन रिकॉम्बिनेंस भी देखते हैं, ठीक है ना। और रिकॉम्बिनेंस होने का मूल कारण क्या है, रिकॉम्बिनेंस होने का मूल कारण मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंस होने का मूल कारण होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। यहां पे लिख दो कि रिकॉम्बिनेंस के उत्पन्न होने का मूल कारण, उत्पन्न होने का मूल कारण हमेशा रिकॉम्बिनेंस के उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो वही यहां पर क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है ना। और पैरेंटल कॉम्बिनेशन बनने का मूल कारण क्या है, लिंकेज, ठीक है ना बेटा। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया लिंकेज के कुछ टाइप्स जो थे, दो टाइप्स उसको बता दिया क्योंकि इसको बताना जरूरी था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब क्रॉसिंग ओवर को पढ़ेंगे। लेक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2 बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है इस पूरे लेक्चर को, तब आप बहुत अच्छे से लिंकेज को समझ जाएंगे। और लिंकेज के बाद आपको जो कपलिंग और रिपल्सन एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद जब टीएच मॉर्गन ने बताया कि ये तो लिंकेज है, कपलिंग रिपल्सन तो लिंकेज ही है, ठीक है ना, उसके बाद फिर लिंकेज के बारे में लोगों को जाना गया और आज हम लोग लिंकेज को पढ़ते और समझते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिंकेज ग्रुप क्या होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, जीन के बीच की दूरी ज्यादा तो लिंकेज कम, जीन के बीच की दूरी कम तो लिंकेज ज्यादा, फार्मूला भी है उसको भी मैंने लिखवा दिया, लिंकेज के टाइप्स भी लिखवा दिए, महत्व भी पढ़ा दिया, सब कुछ आपको पढ़ा दिया है। लेक्चर 2-3 बार रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।